चलो हम बात करते हैं पहले दो गेम्स की, राइट? पहला गेम आपके पास ऑब्वियसली प्लेयर एडवांटेज नहीं था, एनिग्मा के पास प्लेयर एडवांटेज था तो वहां पर दिक्कत हुई। दूसरे गेम की बात करें, यहां पर एक टीम के पास बहुत हाई ग्राउंड था एंड देन नियो के लिए बचे थे। सो व्हाट डू यू थिंक कि तीसरे गेम में क्या ऐसी पोटेंशियल चीजें हो सकती है जो आपके आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग गलत जा सके, क्योंकि हमने जोन को भी देखा, प्लेयर्स को भी देखा, बट व्हाट डू यू थिंक कि तीसरे गेम में ऐसा क्या हो सकता है जो गॉडलाइक को शायद दिक्कत दे दे? ऐसा है कि अभी ये पहले दो गेम हम लोग ने ऐसे ही नॉर्मली खेला था, ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल यू नो गेम प्ले। एंड अभी ऐसा है कि हमको पता ही चल गया कि नाउ वी आर क्वालिफाइड, एंड अभी तीसरे मैच में जो दिखा खत्म करने वाले भाई, अब बिल्कुल यहाँ वैसा पे खेल वो लो जो ऑल आउट भाई। अटैक वाले जो हम स्ट्रैटेजी की यस बात सर। करते हैं वही देखने को मिल रहा है। तो चलिए जॉनथन, फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछे, क्या लगता है आपको टीएसएम हाँ ने 31 फिनिशेस निकाले, क्या हमें इस मैच में ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो आंकड़ा टूटेगा? सो बोल नहीं सकता यार, बट लेट्स लेट्स सी क्या होगा। बट